शहीदों की मजारों पर हर वर्ष लगेंगे मेले। अपने जवान लाडले को देश के लिए नौशहर किया, पूरे गांव में शोक का वातावरण था। शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी का पिता हूँ। माता की कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन करें फ्लिकी क्लासेस। ऑनलाइन तैयारी के लिए डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। राम राम साहब, मैं बलराम उर्थी, देख रहे हो जल को चुरू। आज आए आप गोरीसर गांव में। गोरीसर गांव में सीआरपीएफ का जवान शहीद राजेंद्र सिंह जी की आज चौथी पुण्यतिथि है। इस यहाँ अभी रक्तदान शिविर 11 बजे से शुरू होसी और के कुछ कार्यक्रम उसी वो आप आज देख सकते। शोक महसूस हो रहा है शहीद के लिए, ठीक रक्तदान कर रहे हैं, आज चौथी पुण्यतिथि है, शहीद के पुण्यतिथि पर रक्तदान कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सारा निवेदन है कि रक्तदान एक महादान है और सारण करना भीजिए। मेरा नाम दातार सिंह शेखावत है, मैं सरपंच हूँ भरपाल सर। देश मेरे द्वारा वही है जो युवा पीढ़ी है वह रक्तदान करना चाहिए ताकि कोई की जान बच सके। कोरोना जैसी महामारी हम पीछे भी अपना आई और अभी वर्तमान में चाल रही है, तो रक्तदान कर सकें तो हो सके कोई की जान बच जाए। शुभ नाम है सुल्तान फौजी। तो अभी थे शहीद राजेंद्र नैन जी की चौथी पुण्यतिथि, आज रक्तदान कर रहे हो, शोक महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, एक शहीद ने अच्छे श्रद्धांजलि है, मैंने बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक शहीद ने अपने कुछ कीमती समय दे रहे हो या खून के रूप में भी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जीवन को दुष्म रक्तदान दे रहे हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, रक्तदान सोचे कि रक्तदान रतनगढ़ के अंदर बहुत बार कर रहा है। मेरा यही कहना है कि जैसे कि कोई शहीद अमर शहीद हो रहा है उनके नाम पर जो भी श्रद्धांजलि अगर हम तह दिल से दे रहे तो रक्तदान सबसे बड़ा दान है, महादान है। शहीदों की मजारों पर हर वर्ष लगेंगे मेले। वतन पे मरने वालों का यही नामो निशा होता है। मुझे फख्र और गर्व के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे राजस्थान वीर भूमि है। यहाँ के सैनिक देश के अंदर सेवा के लिए जाते हैं और अपना हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। ऐसे शहीदों के मेलों पर, उनके पुण्य तिथियों पर आयोजित रक्तदान शिविर में मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और युवा पीढ़ी को यह संदेश मिल रहा है कि आप इस सैनिकों के बलिदान से प्रेरणा लें और इन सैनिकों के जो कार्यक्रम है, जो पुण्यतिथियां हैं, जो जयंती है, उन पर सर्वाधिक संख्या में रक्तदान करें ताकि पीड़ित मानवता को राहत मिल सके। मेरा नाम कन्हैयालाल सियाग है, मैं शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी का पिता हूँ। मेरा संदेश यह है कि यह पुण्यतिथि हर साल मनाई जाए और रक्तदान का जो काम है ये महादान है। दूसरा यह है कि यहाँ युवाओं की संख्या ज्यादा थी और युवा ही शहीद को सब कुछ मानते हैं, इसलिए मेरा ये कहना है कि युवा शहीद से प्रेरणा लेकर के ज्यादा से ज्यादा भारतीय सेना या अन्य पैरामिलिट्री में अपनी सेवा दे ताकि देश की रक्षा हो सके। और इससे बड़ा काम हो सकता है कि इसका उदाहरण यह है कि शहीद चंद्र बॉम्बे का स्टूडेंट था, आईएएस में उसका सिलेक्शन हो गया, आर्मी में ही हो गया, वो आर्मी में गया और 3 साल के बाद शहीद हो गया। मेरे गाँव में सिर्फ वो एक ही आदमी शहीद, मतलब आर्मी का आदमी था और आज बेल्ट सर्विस में उसके शहादत के बाद 80 आदमी है। तो ये युवा चाहें और इससे प्रेरणा ले, इसमें युवाओं को एक दिक्कत आ रही है, उसमें आर्मी सपोर्ट क्या करती थी, भर्ती या अन्य कार्यालय, उस विद्यालय का नाम रहता था शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। इसलिए वो हर बार जो भी बच्चे जाते थे बोले आप शहीद के गांव के हो, उस स्कूल के पढ़े हो, कहा अरे भाई इस बच्चे को निकालो, खुद ही कमांडिंग ऑफिसर कहता है अरे यार इस बच्चे को निकालो। तो यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए शहीद के नाम से स्कूल होने जरूरी है, मेरा ये कहना है। मेरा नाम सावरमल ढाका है। अभी थे गोरीसर गांव में राजेंद्र जी ने किया चौथी पुण्यतिथि, एक आया हो एक उपलक्ष्य में आया हो के कुछ मतलब थारो सहयोग रहे आज? आज हमारे वीर शहीद गोरीसर के लाडले शहीद राजेंद्र नैन की चतुर्थी पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर बड़ी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है और विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है और युवाओं ने और हम सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है इस श्रद्धांजलि सभा में। मैं तो सभी को यही अपील करना चाहता हूँ, जहाँ भी शहीद का प्रोग्राम हो, जहाँ भी शहीद की पुण्यतिथि मनाई जाए, वहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और ऐसे आयोजनों में जाना चाहिए और अपने खून का भी, मतलब जो खून का दान है वो भी शहीदों के पुण्यतिथि पर करना चाहिए, ना कि नेता और किसी और की पुण्यतिथि पर करना चाहिए, क्योंकि लोग देखते हैं नेताओं के जन्मदिन पर लगाते हैं और पे लगाते हैं, उनके उनके ऊपर ना करके और शहीद की पुण्यतिथि होती है वहाँ पर रक्त का दान करना चाहिए। अभी थे आज राजेंद्र जी ने इनकी जी चौथी पुण्यतिथि प्रायडा हो किसी महसूस हो रहे थे अब रक्तदान करे हो अभी थे? देखो मुझे क्या है कि शेखावाटी की ये धरती है, वीरों की भूमि है, यहाँ के अधिकांश युवा सेना के अंदर तैनात रहते हैं और जब जब भी भारत का विदेशी लोगों से युद्ध हुआ है, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, यहाँ के युवाओं ने सीमाओं पर रणभेरी बजते ही अपनी वीरता का खूब परिचय दिया है, खूब अपनी शहादत दी है।
मैं इस रक्तदान शिविर में शहीद राजेंद्र नयन की पुण्यतिथि पर जो ये आयोजन है, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे जनपद में ऐसे शहीद हुए जो हमारे क्षेत्र के लोगों को नाम उजागर कर रहे हैं देश भर में, तथा युवाओं को ये संदेश दे रहे हैं कि ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए। शहीदी जिंदा रहनी चाहिए, देश जिंदा रहना चाहिए, हमारा समाज और सभ्यता संस्कृति जिंदी रहनी चाहिए और वीरता का एक संदेश कायम रहना चाहिए। जी राजेंद्र जी नयन की शहादत ने देखता मान लो काम 1% ही को नहीं है सर, वो मारो कर्तव्य है। और मैं पीछे भी 31 दिसंबर ने रक्तदान शिविर को तो कार्यक्रम को नहीं हो, लेकिन अटे कबड्डी प्रतियोगिता भी मैं बाकी याद में रखा। और माँ को जन्म 4 सितंबर न हो, तो मैं जो को शिक्षक दिवस 5 सितंबर न हुआ है भी को भी कार्यक्रम भी 4 ने भी कर ले वहाँ, ताकि वो भी काम हो जाए और माँ के जन्मदिन में भी याद रखे जा सके। और टाबर बाऊ शिक्षा ले रहे का अपन देश के लिए सब कुछ न्योछार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। राजेंद्र नयन आज से 4 साल पहले हमारे बीच नहीं रहे, बहुत ही दुखद क्षण था वो, सभी की आंखें नम थी, पूरे गांव में शोक का वातावरण था, बहुत बुरा हालत होता है, लेकिन होता हुआ ही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है, उसको कोई होली को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि हमारा ये विद्यालय है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसको सेठ मोहनलाल रत्नी देव जालान ने बनाया था, इसलिए इसमें दिक्कत आ रही है। तो हमारे गाँव वालों का निवेदन है कि इनके नाम पर एक बालिका विद्यालय खुला जाए। दूसरी जो बात थी ये खेल मैदान की बात है, उसका हमारा सीमा ज्ञान और उसकी साइड चेंज करवानी है, तो मैं क्लर्क साहब से वो भी निवेदन करूंगा, ये भी हमारा कार्य जो है करवाया जाए। अपने जवान लाडले को देश के लिए नौशावर किया, तमाम उनका हमारे अतिथि द्वारा सम्मान किया जा रहा है। और मेरे गांव से वो एक ही शहीद मतलब आर्मी वाली से आज बैंक सर्विस में मेरे गांव से 80 बच्चे गए हैं। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ और कैप्टन महोदय से भी कहना चाहता हूँ कि इनको कम से कम एक खेल मैदान की जगह तो आवंटित करवाने ही। गोरी सर की इस पावन धरती पर आज के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं इस गांव के वीर सपूत सही श्री राजेंद्र सिंह नयन साहब को मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सबसे सम्मान करता हूँ। निश्चित रूप से चोरू एक वीर भूमि है और यहाँ से जो हमारे नौजवान है नवयुवक है, उन्होंने अपने प्राणों की आवाजी करते हुए हमारे को महफूज रखा हुआ है। जहाँ तक आज जिस महापुरुष ही कहूंगा, जैसा कि सातरा साहब, शिखर साहब, एसडीएम साहब, कल्याण सिंह साहब बता रहे थे कि शहीद हुए देवता सिंह अम्मी है, निश्चित रूप से उनका जीवन देखते हैं तो उन्होंने सेना में जब 89 में उनका जन्म हुआ और 15 में ये सीआरपीएफ भर्ती हुई और अल्पाई में ये देवगति को प्राप्त हो गए, तो निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ कि जो उनके माता पिता है उन पर क्या दुखी होगी, लेकिन ये शहीद के माता पिता है उनको मैं अक्सर नमन इसलिए करता हूँ कि आपने ऐसे महापुरुष को जन्म दिया जिनको आज हम सब तक यहाँ इकट्ठे होकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जहाँ तक दो तीन बात मेरे सामने आई है, मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जहाँ तक खेल मैदान की बात है, एसडीएम साहब से बात हुई है, खेल मैदान की अपनी समस्या का निराकरण जल्दी हम करवा देंगे। दूसरा शहीद के नाम पर किसी विद्यालय, ग्राम पंचायत या चिकित्सा संस्थान उसका नाम पर किए जाने का प्रश्न है, तो इसके लिए मैं आश्वस्त करता हूँ कि निश्चित रूप से हम एक बार एसडीएम साहब से पता हुआ कि क्योंकि प्रक्रिया जैसा मेरे पूर्व लोगों ने बताया राज्य सरकार ने प्रक्रिया तय की हुई है कि अगर अगर किसी गांव दाता ने किसी विद्यालय या चिकित्सा संस्थान या अन्य राजनीतिक कार्य का निर्माण किया है तो जब तक उनसे अनुमति नहीं हो तब तक उसका नामकरण शहीद के नाम से नहीं किया जा सकता। आज राजेंद्र जी ने इनकी चौथी पुण्यतिथि एक ऊपर बहुत ही बड़ा रक्तदान शिविर का आयोजन रखियो, लगभग 150 तकरीबन 8 महिला और पुरुष ने रक्तदान करियो। अगर थे भी सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखनो ना भूलिया, और वीडियो तंचो को लागे है तो वीडियो लाइक करिया, झलको चुरू चैनल ने सब्सक्राइब करिया और बेल बटन दबानो ना भूलिया।
जय चुरू, जय जय राजस्थान, जय हिंद।